हेलो गाइस, आप देख रहे हैं और चिल्ले चैनल को। तो दोस्तों, चैनल विजिट करने का शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहरीन के 5 फिल्स के सिक्के के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस सिक्के की वैल्यू, प्राइस और डिटेल। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ कॉइन्स मौजूद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको मिल सके पूरी और सही जानकारी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। तो बहरीन के इस सिक्के को जारी किया गया था 1992 में और हिजरी के हिसाब से 1412 हिजरी में इस सिक्के को जारी किया गया था। ये सिक्का बहरीन में 5 फिल्स यानी 5 पैसा की वैल्यू रखता है, जो कि पाकिस्तान में बनते हैं 2 रुपए और 27 पैसा और इंडिया में 1 रुपए 10 पैसा। बहरीन की करेंसी को दिनार कहा जाता है और बहरीन के 1 दिनार की पाकिस्तानी कीमत होती है 454 रुपीज़ और इंडिया में 1 दिनार की कीमत होती है 200 रुपीज़। तो इस सिक्के की मार्केट वैल्यू बताने से पहले मैं इस सिक्के की थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। तो ये सिक्का बनाया गया था 1961 से 1999 तक, ईसा बिन सलमान अल खलीफा के दौर में। इस सिक्के की कॉम्पोजिशन यानी धात होती है ब्रास और इस सिक्के का वेट होता है 2.5 ग्राम और डायमीटर 19 mm होता है। सिक्के के इस तरफ अंदरूनी दायरे में खजूर का दरख्त, अरबी और अंग्रेजी में रियासत का नाम। और इस सिक्के में 2 तरह के कॉइन्स जारी किए गए थे। सिक्कों की निशानी यह है कि फर्स्ट टाइप के जो कॉइन्स हैं इन पर फिल्स लिखा होता है और सेकंड टाइप के जो कॉइन्स हैं उन पर फलूस लिखा होता है। इस वीडियो में हम जानकारी दे रहे हैं 5 फिल्स के इस कॉइन के बारे में। तो इस सिक्के की वैल्यू है मार्केट के लिहाज से 1 से 6 डॉलर के दरमियान, यानी पाकिस्तान में 170 रुपये से 1000 रुपये तक के दरमियान और इंडिया में 90 रुपये से 500 रुपये तक के दरमियान। और अगर आपके सिक्के में कोई एरर हो तो इसकी कीमत 10 डॉलर तक से 12 डॉलर तक भी जा सकती है। और अगर एरर रेयर वाला हो तो इस सिक्के की कीमत 1000 डॉलर तक भी हो सकती है। तो इनमें से आपके पास कौन से कॉइन्स हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।